अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बीफ़ पाए की। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें और हर न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो पाया, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने टर्मेरिक ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, और इसके साथ मैंने गरम मसाला साबुत शामिल करना है जिसमें थोड़ी सी बादिया खटाई है, लौंग है, काली मिर्च है, और उसके साथ मैंने शामिल करना है यहाँ पे 1/2 kg ही मैंने प्याज लिया है और तकरीबन 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के यूज़ करने हैं। सबसे पहले हमने इन सब मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, भूनने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने अगर पाए की क्वांटिटी ज़्यादा या कम करनी है तो इसमें जितने मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर किए हैं इसकी और जितनी क्वांटिटी शेयर की है उसकी जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पाए की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेट करिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इस बीफ़ पाए की एक स्पेशलिटी है और वो ये कि आज हम जो ये बीफ पाए बनाएंगे ये हमने बनाने हैं देसी घी में। अगर आप दूसरा घी यूज़ करना चाहते हैं, डालडा घी या कोई भी आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो शामिल करें। मैंने ये बीफ पाए बनाने के लिए देसी घी शामिल किया है इसमें, तकरीबन 1.5 चम्मच जो कि सालन पकाने वाला चम्मच होता है वो शामिल करके पहले हम इसको गर्म करेंगे और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने शामिल करना है लहसुन और प्याज और उसके बाद इसमें हम पाए शामिल करेंगे। लहसुन और प्याज शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें पाए शामिल कर देंगे। इस सालन की सबसे मज़े की बात जो है वो ये कि आप जितना इसको पायों को अच्छी तरह से भूनेंगे, उनको फ्राई करेंगे, ये उतने ही मज़े के बनेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। लहसुन और प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं पाए, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके ऊपर ये जो ब्लैक से कलर का आपको कलर नज़र आ रहा है ये इसलिए है कि जब मैंने पाए लेके उनको जलाया था उनको साफ़ करने के लिए तो तब ये इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। स्टार्ट में आपने फ्राई करते हुए इसमें कोई भी जो हमारे स्पाइसेस हैं वो शामिल नहीं करने। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सारी स्पाइसेस और फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि ये सालन नीचे लग रहा है या पाए नीचे लग रहे हैं तो आप उसमें 2 से 3 सिप पानी के शामिल कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट की भुनाई के बाद अब टाइम है इसमें नमक शामिल करने का। इसके साथ ही इसमें बाकी जितनी स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएंगी लाल मिर्चें और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी जो कि मैंने 1/2 टीस्पून ली थी। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद बाकी जितनी स्पाइसेस हमने रखी थी जिसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल करना था, सफ़ेद ज़ीरा था और इसके साथ साथ जो साबुत हमने गरम मसाला रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि इन सब मसालों की अच्छी सी बनाई हो सके, पाए में अच्छा सा टेस्ट आ सके। सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि सब मसाले आपस में यकजान हो जाएं और सालन में टेस्ट उनका आ सके। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्राई हो रहा है प्याज का, लहसुन का और पाए जो हैं उन सब का कलर चेंज हो रहा है, उन सब का कलर बहुत अच्छा सा ब्राउन होता जा रहा है। तो जैसे ही हम इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करके और इसको स्टीम लगाएंगे। और यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद पानी डाल दिया है जो कि मैंने पाए की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन पानी भी मैंने 1 किलो लिया है और पाए भी मैंने आपको बताया कि 1 किलो थे। और अब इसको हम स्टीम लगाएंगे जो कि होगी 45 मिनट की। अगर तो पाए आप बिल्कुल फ्रेश लेके और उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्टीम कम होगी और अगर आप फीस वाले पाए बना रहे हैं तो उनकी स्टीम ज़्यादा होगी। और यहाँ पर चेक करते हैं हम कि 45 मिनट की स्टीम के बाद पाए गल चुके हैं और बने हैं या अभी नहीं। तो चलिए देखते हैं। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि पाए बिल्कुल गल चुके हैं और उसमें हमने जितना पानी डाला था, जितना हमने उसकी ग्रेवी रखनी थी वो उतनी आ चुकी हैं। और ये देख सकते हैं आपके इनकी शक्ल ही बता रही है कि ये गल चुके हैं। वी रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व हैं। तो चलिए इनको डिश आउट करते हैं।
आप पाई को नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो खमीर रोटी के साथ भी सर्व करें, दोनों के साथ ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। और एंड पे अगर आप इसमें हरी मिर्चें शामिल करके इसको सर्व करना चाहें ताकि कलर चेंज हो जाए या थोड़ा इसका टेस्ट में भी इसका फ़र्क आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। हरा धनिया का इस्तेमाल पाए में नहीं किया जाता, हरी मिर्चें आप इसमें सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पाए डिश आउट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी एक डिफरेंट रेसिपी के साथ, एक बहुत ही यमी सी डिश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।